हाय फ्रेंड्स, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का राधा की रसोई में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही हेल्दी और टेस्टी करायल की रेसिपी। तो चलिए इसको हम बनाना शुरू करते हैं। और इसके लिए हमने यहाँ पर लिया है 250 ग्राम मूंग की दाल, जिसको हमने 4 से 5 घंटे भिगो दिया था। ये देखिए बहुत अच्छे से भीग चुकी है। और पकौड़ियों में हम डालेंगे हींग, जीरा, हरी मिर्च, थोड़ी सी अदरक। ये हम पकौड़ियों के लिए पेस्ट बना लेंगे, अलग दरदरा सा, बारीक नहीं पीसना है। ना हम इसमें पानी डालेंगे, थोड़ा सा पानी डालकर पीस लेंगे। और यहाँ पर हमने प्याज लहसुन लिया है, इसका भी हम पेस्ट बना लेंगे। और दाल को हम दो तरह से पीसेंगे, आधी हम पीस लेंगे हल्की सी दरदरी पकौड़ी के लिए, और आधी हम पीसेंगे बिल्कुल बारीक जो हम ग्रेवी बनाएंगे। थोड़ी सी हरी धनिया, थोड़े से बेसिक मसाले। तो चलिए पहले हम पेस्ट बना लेते हैं, दाल को पीस लेते हैं, फिर आगे दिखाते हैं। और यहाँ देखिए हमने सभी को पीस लिया है। ये दाल है जो हमने फाइन पेस्ट बनाया है इसका ग्रेवी के लिए, लहसुन प्याज का पेस्ट, और ये हींग जीरा हरा मिर्चा और अदरक का पेस्ट जो हम पकौड़ियों में डालेंगे। पकौड़ियों की दाल हमने थोड़ी सी दरदरी से पीसी है ताकि पकौड़ियाँ अच्छी बनती हैं और ग्रेवी भी एब्जॉर्ब करती हैं। अब हम दाल को फेंट लेंगे इस तरह से, हाथ से ही फेंटना होता है, आप किसी भी चीज़ से फेंट सकते हैं। हम हाथ से फेंटते हैं, हाथ से बहुत अच्छी फिट जाती है दाल, और ये इतनी हल्की होती है तुरंत फिट जाती है, बिल्कुल टाइम नहीं लगता इसमें। ये देख सकते हैं आप, इसका कलर चेंज होने लगा है। सिर्फ 1 मिनट लगता है दाल फेंटने में। और यहाँ देखिए मात्र हमने 1 मिनट इसको फेंटा है। अब हम इसको चेक कर लेते हैं पानी में डालकर, पानी में डालकर ही चेक होती है। ये देखिए ऊपर आ गई, इसका मतलब ये दाल फेंट चुकी है, उठ गई अच्छे से। अब हम इसमें कुछ नहीं करेंगे, अब इसमें हम नमक और पेस्ट मिला देंगे। अब हम इसमें मिलाएंगे ये पेस्ट जो हमने इसका पीस कर रखा था। इससे बहुत अच्छा पकौड़ियों में टेस्ट आता है, आप भी ऐसे ही बनाइएगा। और यहाँ पर हम डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक, थोड़ा सा ही डालेंगे, थोड़ी सी हरी धनिया, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा होता है, धनिया का आता है इसमें। और बाकी हम ग्रेवी में डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे सभी चीज़ों को, और इसकी हम पकौड़ियाँ बनाएंगे। ये देखिए बहुत अच्छी खुशबू आने लगी, इसमें हींग और जीरे का ही बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, मेन इसमें हींग का मज़ा है। अगर हींग नहीं है तो करायल बिल्कुल अच्छा नहीं बनेगा। ये देखिए, और थोड़ी सी दाल हल्की सी गीली भी हो गई क्योंकि हमने नमक डाला है। तो चलिए अब इसमें हम पकौड़ी बना लेते हैं इसकी। अब हम इसमें पकौड़ियाँ डालेंगे, थोड़ा सा हाथ में पानी लगाकर हम पकौड़ियाँ बनाएंगे। आप अपने हिसाब से छोटी बड़ी जैसी भी आपको पकौड़ियाँ पसंद हो आप बना सकते हैं, क्योंकि करायल में फूलती भी हैं पकौड़ियाँ, तो हम यही साइज बनाएंगे। आप बड़ा साइज भी बना सकते हैं और छोटे छोटे भी साइज बनता है, लेकिन हम यही साइज बनाते हैं। सभी को हम डाल लेंगे और ऐसे ऐसे करके हाथ से गोल भी हो जाती हैं ये पकौड़ियाँ। कुछ लोग हाथ से नहीं बना पाते हैं तो चम्मच से बना सकते हैं, चम्मच में लेकर फिर डाल सकते हैं तेल में। वैसे हम तो हर तरीके से बना लेते हैं, कोई सा भी तरीका हो, चम्मच से, हाथ से, किसी भी चीज से, क्योंकि हमें प्रैक्टिस है। सभी को डाल लेते हैं फिर आपको दिखाते हैं आगे। और यहाँ देखिए पकौड़ियों को हमने डाल दिया है। अब हम कुछ इस तरह से पकौड़ियों के ऊपर ऑयल डालेंगे ताकि ये पलटते समय चिपके ना। चारों तरफ से हम ऐसे हिलाकर
ऑयल डाल देंगे इसके ऊपर। ये देख सकते हैं आप, बहुत ही अच्छे तरीके से इसके ऊपर ऑयल हो जाता है। अब हम इसको पलट देंगे ऐसे करके। ये देखिए बहुत ही आसानी से पलट जाती हैं, बिल्कुल ना चिपकती हैं ये। इसी तरह से हम सारी पलट लेंगे। और यहाँ देखिए सभी पकौड़ियों को हमने फ्राई कर लिया है, इसी कलर की हमें फ्राई करनी है। अब हम इनको निकाल लेंगे इसी तरह से, और बाकी भी पकौड़ियाँ हम इसी तरीके से बना लेंगे, फिर आगे आपको दिखाते हैं। ये देखिए कितनी अच्छी पकौड़ियाँ बनी हैं। यहाँ पर ऑयल हमने थोड़ा सा कम कर दिया है और सारी पकौड़ियों को हमने निकाल लिया है। अब हम क्या करेंगे, पेस्ट भूनेंगे और ग्रेवी बनाएंगे। तो यहाँ पर हमने लिया है आधा चम्मच हींग। हींग हमें भर कर डालनी है, इसमें बहुत अच्छी लगती है। और अब हम डाल देंगे इसमें अदरक प्याज लहसुन का पेस्ट और इसको अच्छे से भून लेंगे। इसी में हम डाल देंगे थोड़ा सा नमक। नमक हम स्वाद के अनुसार अभी डाल देंगे क्योंकि हम बाद में नहीं डालेंगे, और इस वजह से पहले डाल देते हैं कि ग्रेवी चिपके ना, पेस्ट। नमक डालने से पेस्ट चिपकता नहीं है और अच्छे से भून जाता है जल्दी से। और यहाँ देखिए पेस्ट भी भून चुका है। अब इसमें हम मसाले डालेंगे। मसालों में हम लेंगे एक चम्मच हल्दी पाउडर और एक चम्मच यानी दो चम्मच हम लेंगे धनिया पाउडर, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि हल्के से भुन जाए मसाले। अब इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा पानी ताकि मसाले फूल कर पक जाए अच्छे से। और इसमें डालेंगे अब हम एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर और आधा चम्मच हम डालेंगे गरम मसाला। बस इतना ही, इतने ही मसाले हमें इसमें ऐड करने हैं। अब इसको हम पेस्ट को मसालों को अच्छे से भून लेंगे जब तक ये तेल नहीं छोड़ देते। और यहाँ देखिए मसालों ने भी तेल को छोड़ दिया है और बहुत अच्छे से भुन गए हैं। अब हम क्या करेंगे, गैस की फ्लेम को स्लो करके और इसमें जो दाल हमने पीसी थी, फाइन पेस्ट बनाया था जिसका, वो हम डाल देंगे इसी में। और इसी कटोरे में थोड़ा सा पानी डालकर हम चलाकर वो भी डाल देंगे। और इस दाल को भी हम अच्छे से पहले इसी मसालों में भून लेंगे, फिर हम पानी डालकर ग्रेवी बनाएंगे। और बहुत जल्दी ये फूलती है दाल, थोड़ा सा भूनेंगे बिल्कुल स्लो फ्लेम में हम, नहीं तो ये इसमें लम्स पड़ जाएंगे। ऐसे चलाते हुए हम भून लेंगे। अब हम यहाँ पानी डाल देंगे, जितनी हमको ग्रेवी चाहिए। वैसे इसकी ग्रेवी तो गाढ़ी ही होती है, दाल है काफ़ी गाढ़ी हो जाती है। और इसमें ज़्यादा ही पानी डालेंगे क्योंकि अभी ये पककर फूलेगी, फिर हम पकौड़ियाँ डालेंगे तो वो भी ग्रेवी अब्जॉर्ब करेंगी, तो ये गाढ़ा ही हो जाता है। और इसको हम बराबर चलाते हुए इसको हम बॉईल कर लेंगे, क्योंकि अगर हम चलाएंगे नहीं तो इसकी तली में लग जाएगा और फिर लम्स बन जाएंगे। तो हमें लगातार चलाना है, जैसे कि कढ़ी को चलाते हैं हम लोग, वैसे ही उसी तरीके से इसको हम चलाते जाएंगे। और जब बॉईल आ जाएगा तो ये चिपकना बंद हो जाएगी, फिर हम इसको छोड़ भी सकते हैं थोड़ी थोड़ी देर के लिए, लेकिन चलाना फिर भी पड़ेगा। तो चलिए इसको हम बॉईल कर लेते हैं चलाते हुए। और यहाँ देखिए चलाते हुए हमने इसको बॉईल कर लिया है। इसमें हमने करीब 1.5 लीटर पानी डाला है, और जो आप साइड में ये झाग देख रहे हैं हल्का हल्का सा, जो ये है, जब ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा पकते पकते, तब ये समझ लीजिए कि ये पक चुका है।
ऐसे ही हम चलाते हुए इसको पका लेंगे। अगर थोड़ा गाढ़ा लगता है तो हम पानी भी ऐड कर सकते हैं। और यहाँ देखिए हमने आधे घंटे तक इसको लगातार चलाते हुए पकाया है। अब ये देखिए कितने अच्छे से खदक रहा है, जैसे कड़ी खदकती है उसी तरह से ये खदक रहा है। इसका मतलब ये अब पक चुका है और जो इसमें झाग था वो भी बैठ चुका है और इसकी थिकनेस इस तरह से होनी चाहिए। हमने और पानी नहीं डाला, इसमें अच्छे से पका लिया है। अब हम इसमें डाल देंगे पकौड़ियाँ। पकौड़ियों को हम हाथ से थोड़ा सा दबाकर ऐसे करके डालेंगे ताकि ये ग्रेवी अब्जॉर्ब करें। वैसे भी ये पकौड़ियाँ इसमें हल्की सी टाइट रहती हैं और ये देख सकते हैं आप कितने अच्छे से खदक रहा है। जब ऐसे खदकने लगे तभी समझ लीजिए कि ये पक चुका है। और पकौड़ियाँ डालने के बाद अब हम इसको करीब 5 मिनट तक और पका लेंगे, फिर आगे दिखाते हैं आपको। और एक बात आपको बता दें कि इसको लगातार चलाते हुए ही हमें पकाना है, क्योंकि अगर हम छोड़ देंगे तो ये नीचे से लग जाएगा। और अगर आपको ये थोड़ा सा गाढ़ा लग रहा हो तो आप अपने अनुसार इसमें पानी गर्म करके मिला लीजिए, क्योंकि ये ठंडा पानी आप डालेंगे तो ये थोड़ा सा खराब सा हो जाएगा, कच्चा लगेगा। कच्चा पानी हमें बिल्कुल नहीं डालना है। अब इसको हम धीमी धीमी आंच में 5 मिनट पका लेंगे। और यहाँ देखिए पकौड़ियाँ डालने के बाद ये काफ़ी गाढ़ा लगने लगा है, तो हम इसमें थोड़ा सा बॉयल किया हुआ पानी डालेंगे, क्योंकि पकौड़ियाँ भी ये ग्रेवी को एब्जॉर्ब करती हैं। तो थोड़ा सा गाढ़ा हो गया है और ये आप देख सकते हैं 250 ग्राम दाल थी, यानी हमने 100 ग्राम की ग्रेवी बनाई है और कितनी सारी हो गई है, कम से कम इसमें 15 लोग खा सकते हैं, क्योंकि हम सबको हमारे यहाँ बहुत लोग हो जाते हैं खाने के लिए। तो हमने 250 ग्राम में बनाया है, आप कम भी ले सकते हैं दाल को। और इसको हम बॉईल कर लेंगे। ये देखिए अब थोड़ी सी पतली हो गई है ग्रेवी और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है करायल की। और यहाँ देखिए पकौड़ियाँ डालने के बाद थोड़ा सा हमने पानी भी डाला था और उसके बाद हमने 10 मिनट इसको अच्छे से बॉईल कर लिया है, यानी पका लिया है। अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे। ये बिल्कुल तैयार हो गया है, बनकर रेडी हो गया है। अब इसमें हम डालेंगे हरी धनिया थोड़ी सी। हरी धनिया से इसका टेस्ट काफ़ी बढ़ जाता है, बहुत ही टेस्टी लगता है। और इसको कर देंगे मिक्स। ये देखिए बिल्कुल बनकर तैयार हो गया है करायल। आप लोग भी इसी तरह से बनाइएगा, बहुत अच्छा लगता है। और गर्मी के सीजन में, ये बारिश के मौसम में ये सब चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं बनाकर खाने में। चलिए अब हम इसको एक बाउल में सर्व कर लेंगे। ये देखिए बहुत ही हेल्दी और टेस्टी बनता है, ये सभी को बहुत पसंद आएगा, बहुत पसंद आता भी है। बच्चे बड़े सब बड़े मतलब स्वाद ले लेकर खाते हैं, उनको बहुत ही अच्छा लगता है। हमारे यहाँ तो सभी लोग खाते हैं, कोई ऐसा नहीं है जो करायल ना खाता हो, बहुत ही टेस्टी लगता है। ये देखिए, और यहाँ देखिए करायल बनकर बिल्कुल तैयार हो गया है। अब हम थोड़ा सा धनिया से इसको गार्निश कर देंगे ताकि ये और अच्छा खूबसूरत दिखने लगे। अगर ये हमारी रेसिपी करायल की आपको पसंद आती है तो लाइक शेयर कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।